अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके? आपको वेलकम करते हैं हाशमी ट्यूटोरियल्स के एक अनदर लेक्चर में। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने नाउन और प्रोनाउन को डीपली डिस्कस किया है कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, और आज हमारा थर्ड पार्ट डिस्कस होना है। तो ये हमारे उर्दू व्यूवर्स के लिए, उर्दू व्यूवर्स और लिसनर्स के लिए, तो इस पार्ट में जो हमारा थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच है, क्योंकि आठ पार्ट्स हैं स्पीच के, पहला पार्ट नाउन, दूसरा प्रोनाउन और तीसरा एडजेक्टिव। इसके बाद हम सारे आठ पार्ट डिस्कस कर रहे हैं वन बाय वन। इस पार्ट में, इस सेक्शन में हम एडजेक्टिव को डिस्कस करेंगे कि एडजेक्टिव क्या चीज़ है। सो एडजेक्टिव, एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड विच मॉडिफाइज नाउन और प्रोनाउन। इट इन्हेंसेस द इम्पैक्ट ऑफ नाउन और प्रोनाउन। तो ये वो वर्ड है जो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई कर देता है, उनको उनकी कैफियत, उनकी क्वालिटीज़ को जाहिर करता है। एग्जांपल के साथ हम इसको डिस्कस करेंगे कि जैसे अगर हम नाउन को मॉडिफाई करते हैं एडजेक्टिव के साथ, तो लार्ज एलिफेंट, एलिफेंट आपको पता है नाउन है, ठीक है, इज़ अ नेम, सो इट्स अ नाउन, या सो लार्ज एलिफेंट यानी कि बड़ा, बड़े साइज का हाथी। तो लार्ज जो है ना, इसमें एडजेक्टिव है, उसकी क्वालिटी को शो कर रहा है, उसकी कंडीशन को शो कर रहा है। एम्प्टी हाउस, खाली घर, घर नाउन है और एम्प्टी, एम्प्टीनेस उसकी कंडीशन है, ठीक है, तो ये एडजेक्टिव है, ठीक है। अगर हम एडजेक्टिव मॉडिफाई, प्रोनाउन को एडजेक्टिव से मॉडिफाई करते हैं, तो प्रोनाउन आपको होता है ही यानी कि एक प्रोनाउन है। अगर हम इधर लिखते हैं अली इज़ ब्रेव, तो वो नाउन होगा, अली एक नाम है, लेकिन ही प्रोनाउन है ना, प्रोनाउन उसको मेंशन करना है, यानी कि उसकी जगह रिप्लेस करना है नाउन को, तो ही इज़ ब्रेव, तो ब्रेव इसमें एडजेक्टिव है, ठीक है, उसकी क्वालिटी है। तो दे आर गुड स्टूडेंट्स, दे आर गुड स्टूडेंट्स में गुड जो है वो एडजेक्टिव है, ठीक है, स्टूडेंट्स प्रोनाउन है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट आएंगे प्लेसमेंट ऑफ एडजेक्टिव्स की, हम प्लेसमेंट कैसे करती हैं। इट टेक्स इट्स प्लेस बिफोर एज वेल एज आफ्टर द नाउन और प्रोनाउन विच इट मॉडिफाइज। ये यानी कि जरूरी नहीं है कि एडजेक्टिव पहले ही आए, यानी कि लार्ज एलिफेंट जैसे एग्जांपल था, तो डिफरेंट एग्जांपल हैं, जैसे सूटेबल होता है एडजेक्टिव अपने आप को उधर प्लेस कर लेता है। जैसे कि एग्जाम्पल है, ही इज़ अ ब्रेव मैन, इसमें जो ब्रेव है वो मैन से पहले आया है, ठीक है, मैन से पहले एडजेक्टिव आ गया। लेकिन सेकंड एग्जांपल में देखें, हाउस वाज एम्प्टी, एम्प्टी एंड पे आया, ठीक है, अब एम्प्टी भी एडजेक्टिव है और ब्रेव भी एडजेक्टिव है, लेकिन ब्रेव एंड पे नहीं आया और एम्प्टी एंड पे आया, लेकिन दोनों ही एडजेक्टिव हैं। तो ये डिपेंड करता है यानी कि सिचुएशन, और उसके अलावा यानी कि सेंटेंस किस तरह का है, तो ये इतना मैटर नहीं करता कि आप किधर प्लेस करते हैं। तो उसके बाद देर आर एट काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स, आठ किस्म के एडजेक्टिव्स हैं जी, जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहला हम डिस्कस करेंगे ये प्रॉपर एडजेक्टिव, उसके बाद एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, फिर हम डिस्कस करेंगे एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, एडजेक्टिव्स डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, और फिर हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स और इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स और पोजेसिव एडजेक्टिव्स। ये हमने आठ काइंड डिस्कस करनी है वन बाय वन नेक्स्ट सेशन में, और उम्मीद है आपको एग्जांपल के साथ समझाएंगे कि असल में ये क्या चीज़ें हैं, क्या बलाएँ, और इजीली आप इनको अंडरस्टैंड करेंगे, कोई मसला नहीं होगा आपको इंशाल्लाह। तो अभी के लिए अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स होगा, कि हम इनको डीपली स्टडी करेंगे कि ये क्या चीज़ें हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी सब्सक्राइब करें, और आपके टाइम का बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।